तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिश टीवी इंडिया के स्टॉक के बारे में। डिश टीवी इंडिया के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली लेकिन स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस लो को यहाँ ब्रेक नहीं किया और हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिली है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी लेकिन यहाँ पे स्टॉक ने अगेन अपने प्रीवियस लो को यहाँ ब्रेक नहीं किया और आज अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में 7.93% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 18.45 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 21.80 उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 25 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 28 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 31 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 34 और 37-40 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर अभी स्टॉक में 16.10 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 14.55 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 13.40 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग्स रहा नहीं है वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।